जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। बसपा का दे रहे समर्थक मायावती का आया बड़ा बयान। दिल्ली में जंगल राज के चलते हुए पीएम मोदी को बनाया निशाना। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे करोड़ों की सौगत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बसपा को दे रहे समर्थक मायावती का आया बड़ा बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच रविवार को भाईजना समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने मतदाताओं को अपनी मत खराब न करने की सलाह दी। उन्होंने दलित समुदाय से अपील की है कि वह कांग्रेस और भाजपा को वोट देकर अपने भविष्य खतरे में न डाले। मायावती ने कहा है कि दोनों पार्टियां दलितों की अपेक्षा और तिक्रता करती है। इससे स्पष्ट है कि इन पार्टियों में दलित के हितों की रक्षा करने के हेतु मांग रखी गई। उन्होंने दलितों से आग्रह किया कि अपना वोट बसपा को दे जो उनके अधिकारी और कल्याण के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में जंगल राज। राजनीति में दिल्ली के चलते हुए आपराधिक घटनाओं पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चिंता जाहिर की। अरविंद केजरीवाल ने इस जंगल राज करार दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। देश की राजधानी में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडर चल रही है। उन्होंने प्रस्तुति प्रभाव कदम उठाने के चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में अपराध की कुछ खबरें भी जाहिर की। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम मोदी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिमलायन करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी इन परियोजनाओं का उद्घाटन अपनी पूना यात्रा के दौरान करते हैं, लेकिन क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायालय में स्वाइक रोड और पुणे मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिससे पुणे मेट्रो रेल परियोजन फेज ए का काम पूरा हो जाएगा। वक्त दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।